Ram, 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 Ram.
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 नितय गौर हरि वो हरि वो हरि वो हरि वो नितय गौर हरि वो हरि वो जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 श्री श्री नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की गौर प्रेमानंदे हम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा टाइम लगे अच्छा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कृष्णा, जय श्री राधा गोविंद भगवान की। तो आप लोगों में से कितने लोग सुबह उपस्थित थे दीक्षा प्रोग्राम में? सवेरे कितने लोग उपस्थित थे? अरे बहुत कम लोग थे, जिनकी दीक्षा हुई वही लोग थे शायद। हैं, आपने बहुत, आपको सूचना नहीं थी क्या? हैं, बहुत अच्छा, यूट्यूब में देख रहे थे। ओ, बहुत ही सुंदर दीक्षा प्रोग्राम हुआ आज, और जोधपुर में 200 भक्तों ने हमारे गुरु महाराज से जो है विधिवत दीक्षा ग्रहण की, वैष्णव दीक्षा। तो बहुत सारे भक्तों ने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया आज। हैं, महाराज बता रहे थे कि 3 जन्म होते हैं, प्रवचन भागवत से लिया था 4th स्कंद से, जिसमें बताया है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि एक मनुष्य जो आदर्श मनुष्य है उसके 3 जन्म होने चाहिए। पहला जन्म कहलाता है शुक्र जन्म, वो तो सबका होता है, पुरुष के वीर्य से माँ के गर्भ से जो जन्म होता है तो उसको शुक्र जन्म बोलते हैं। वो पशु पक्षी और इंसान सबका होता है, लेकिन इंसान तब तक नहीं बनता है, केवल शुक्र जन्म से इंसान नहीं बनता है ना। फिर उसके बाद दूसरा जन्म भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वो है सावित्र जन्म। शुक्र जन्म के बाद सावित्र जन्म, जब भगवान का नाम, जब विधिवत गुरु से दीक्षा लेके भगवान का नाम जब स्वीकार किया जाता है तो उसको सावित्र जन्म बोलते हैं, तब वो मनुष्य के स्तर पे आते हैं वास्तव में। और फिर तीसरा जन्म होता है याज्ञिक जन्म। जब याज्ञिक जन्म का मतलब होता है कि ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं, यज्ञ करने का अधिकार मिलता है, भगवान की सेवा का अधिकार मिलता है, तो उसको याज्ञिक जन्म बोलते हैं। तो ब्राह्मण मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जाति से नहीं, कर्म से, है ना, जो गुण से। भगवान गीता में ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण नहीं बनता, है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है आर्मी का बोल दे कि मैं आर्मी से हूँ तो आर्मी का नहीं हो जाएगा, या आर्मी में कोई पुलिस आर्मी मैन है उसका बेटा को आर्मी का पर्सन नहीं बोल सकते, है ना, उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए। हैं, जैसे पुलिस वाले का इंस्पेक्टर है मान लो, तो उसके बेटे को इंस्पेक्टर मान लेंगे क्या? हैं कि नहीं, ये तो इंस्पेक्टर का बेटा इसलिए इंस्पेक्टर है, है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण का बेटा जब तक ब्राह्मण की योग्यता अर्जित नहीं करता वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं होता है, है ना। ये शास्त्र सम्मत बात है, भगवत गीता में ये बताया गया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण मैंने बनाए, भगवान बोल रहे हैं गीता में, ये 4 वर्ण मैंने बनाए, और किस आधार पे बनाए? गुण और कर्म के आधार पे, है ना, जन्म के आधार पे नहीं बनाए भगवान। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं बताए महाराज भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं? गुण और कर्म के आधार पे बनाए, है ना, जैसा गुण है और जैसा कर्म है उसके आधार पे डिसाइड होगा कि वो जो है किस कैटेगरी में आएगा, है ना। तो चार तरह के लोग हैं, ये तो आज भी हैं, ये तो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, हैं, जिनका दिमाग चलता है, है ना। बुद्धिमान वर्ग जो है आज भी है, पहले भी था, है ना। तो उसको ब्राह्मण का प्रशिक्षण दिया जाए तो उसकी सफलता है जीवन की, है ना। लेकिन आजकल ये है कि उसको ब्राह्मण का प्रशिक्षण नहीं मिलता है, है ना। जो बुद्धिमान वर्ग है उसको नौकर बनाया जाता है आजकल, है ना। बुद्धिमान वर्ग जो है वो नौकर बनता है, जो निंदनीय है वास्तव में। नौकरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, लेकिन नौकर बनने के लिए कंपटीशन देते बुद्धिमान वर्ग हमारे, है ना। तो ये भगवान की व्यवस्था है कि बुद्धिमान वर्ग है उसको प्रशिक्षण दे तो वो संसार को उसके निर्देशन पे चलना चाहिए, है ना। तो ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण योग्य होते थे तो उनके निर्देशन पे सारे लोग कार्य करते थे, उनसे आज्ञा लेते थे, उनसे पूछते थे, उनको पूजते थे ब्राह्मणों को, है ना। तो ब्राह्मण की योग्यता के आधार पे होता है। और क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, है ना, जो प्रशासन की व्यवस्था देखते हैं, सुरक्षा देखते हैं, कानून और सुरक्षा, है ना। तो ये सब किस में आएंगे? क्षत्रिय उसमें आएंगे, है ना। तो उसके लिए कुछ योग्यता है, डरपोक व्यक्ति तो ये काम नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट देखना भी हर किसी के पक्ष की बात नहीं होती,
तो व्यवस्था और ये देखने के लिए योग्यता चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो आप कोई भी व्यवस्था के पद पे, जैसे कोई आईपीएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, तो ऐसा नहीं कि उसके बेटे को हम आईपीएस आईएएस मान लेंगे, है ना। उसको पहले अपने को प्रूव करना पड़ेगा तभी मानेंगे ना। तो आजकल परीक्षा होती है अलग तरह से, पहले ही परीक्षा होती थी, पहले ऐसे ही क्षत्रिय नहीं मान लेते थे। हाँ, पांडु महाराज और धृतराष्ट्र महाराज दो भाई थे, और बड़े थे कौन, धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन जन्म से अंधे थे, तो उनको राज नहीं मिला, छोटे को मिला, है ना। ऐसा नहीं कि उत्तराधिकारी बड़ा ही होगा, है ना, वो छोटे को दिया गया पांडु को। फिर पांडु गुजर गए तो कार्यवाहक वो राजा थे, धृतराष्ट्र बाद में राजा बने क्योंकि कोई और है ही नहीं, तो कार्यवाहक राजा बनाया गया था उनको, है ना, क्योंकि योग्यता का ही विचार था। रूपा जी उदाहरण देते जयपुर राजघराने का, कि जयपुर राजघराने में बहुत लंबे समय तक ये प्रथा थी कि जो भी राजकुमार जब राजगद्दी पे बैठेगा उससे पहले उसको नियत्ते भूखे शेर से लड़ना पड़ता था, और भूखे शेर को जब हरा देगा, मार देगा, तब जाके उसको राज तिलक होगा। ये परीक्षा होती थी, ऐसा नहीं कि बिना योग्यता के बस कोई भी बन जाएगा, नहीं, उसको प्रूव करना पड़ता था। उत्तराधिकार में अगर कम, जैसे राजा बनना है तो राजा की योग्यता तो चाहिए ना, समझ रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं थी, है ना, ये पहले भी थी, और बाद में ये जाति का रूप ले ली और जन्म के आधार पे विभाजन होने लगा, तो ये दोष आ गया। तो भगवान ने गीता में बताया कि गुण और कर्म के आधार पे ये विभाजन है, है ना। फिर जो है बिजनेस क्लास है, है ना, और फिर है लेबर क्लास, तो चार क्लास आज भी है, है? इंटेलेक्चुअल क्लास जो बुद्धिजीवी वर्ग है, छत्र वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और दूसरी क्लास है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए, प्रशासनिक पदों पे जो लोग होते हैं वो वास्तव में वो होने चाहिए, लेकिन आजकल अयोग्य व्यक्ति वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना, उनकी कायर होते हैं और कई तरह से अयोग्य होते हैं, लेकिन वो भी बैठ जाते हैं, आजकल ऐसा चलता है, तो इसलिए व्यवस्था अच्छी नहीं है, है? पहले लोग जो क्षत्रिय होते थे ना, वो इतने ट्रेंड होते थे, यो घूस लेना तो बहुत दूर की बात है, वो थोड़ी सी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, गला काट देते सामने वाले का, अगर गलत बोलेगा ना उस जवान काट लेंगे उसकी, है ना, गलत बोल नहीं सकता उनको, आजकल घूस खाते हैं, सब करते हैं, है ना, ये सब अयोग्यता हो गई है ना, क्योंकि ये शूद्रों का वो है व्यवहार, ये एडमिनिस्ट्रेट क्षत्रिय का भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके ऊँचे स्तर होता है, योग्यता होता है ना। तो आजकल योग्यता के आधार पे नहीं, आजकल अलग ही सिस्टम, जो शास्त्रों में जो सिस्टम था वो परफेक्ट था। टाइम लगेगा अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं तो बता रहा था कि तीसरा जन्म जो है वो कहलाता है याज्ञिक जन्म। तो वो याज्ञिक जन्म में यज्ञ करने की, या जो ब्राह्मणों को अधिकार था तो अधिकार दिया जाता है, तो ब्राह्मण मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो एक विधि है जिससे स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। शास्त्र में एक उदाहरण दिया है, आजकल तो ये पद्धति हम नहीं जानते, लेकिन शायद पहले के लोग जानते होंगे। आज से 500 वर्ष पहले एक संत हुए रूप गोस्वामी, उन्होंने ये उदाहरण दिए हैं कि जैसे मरकरी जो होता है उसको तांबे के और मरकरी के संयोग से सोना बनाया जा सकता है, समझ में। जो तांबा है वो निम्न धातु है, तांबा
निम्न धातु है स्वर्ण, उच्च धातु है, लेकिन मरकरी के संयोग से उससे सोना बनाया जा सकता है। अब वो आजकल लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन ये शास्त्र में उदाहरण दिया गया है, तो पहले के लोग जानते होंगे, है ना। तो ऐसे ही उदाहरण दिया है ये समझाने के लिए, ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के पूर्ण शरणागत हैं, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया है, ऐसे महात्मा व्यक्ति के कृपा से निम्न स्तर का व्यक्ति भी जो शूद्र है या शूद्र से भी नीचे ही क्यों नहीं हो, वो भी व्यक्ति उत्तम बन सकता है, है? तो इसीलिए इस आधार पे जो भगवान, लेकिन ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, है ना। ऐसे जो महात्मा हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, ऐसे गुरु की कृपा से जो है ये संभव है कि उनके मार्गदर्शन में आके जो निम्न स्तर पे व्यक्ति है वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज कुछ लोगों की ब्राह्मण दीक्षा भी हुई, है ना, हालांकि वो जन्म से ब्राह्मण कुछ थे कुछ नहीं थे, है ना। तो ये जो व्यवस्था है शास्त्र सम्मत व्यवस्था है, है? जब भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जिन्होंने हमारी संस्था स्थापना की, तो पूरे विश्व में जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने विदेशी लोगों को प्रचार किया, अब वो तो ब्राह्मण नहीं थे, है ना। प्रभुपाद जी ने उनको प्रशिक्षण दे करके उनको ब्राह्मण बनाया, है ना। तो वो इसी विधि से बनाया कि प्रभुपाद जी भगवान के महान भक्त थे, है? ये सारी महिमा भगवान की ही है, है? भगवान की महिमा भक्तों के माध्यम से प्रकट होती है, भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, हाँ? भगवान से डायरेक्ट ना तो हम संपर्क कर सकते हैं, ना ही डायरेक्ट जो है उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सीधा, आज सीधा कैसे कनेक्शन कर लोगे, हाँ? सीधा कैसे कर लोगे, हाँ? तो मूर्खतापूर्ण बात है ना। अरे आप जानते हैं आग होती है ना, आग, आग को कोई कहे आग को लेके चले जाओ, मैं आपसे बोलूँ भाई आग ले आओ, तो आप लेके आए तिल ही लेके आए, तो मैं बोलूँगा आग थोड़ी ना, तुम तिल ही लेके आए, हैं? तो फिर आप बोले कि चलो मोमबत्ती ले आए जला के, तो मैं बोलूँगा, मैं बोला आग लेके आओ, बोल तो आप मोमबत्ती ले आए, बोले मोमबत्ती लेके आओ, आग आग चाहिए मुझे, प्योर आग, मुझे मोमबत्ती नहीं चाहिए। फिर लकड़ी में अंगारा ले आए, लकड़ी लेके आए, मैं बोल रहा हूँ आग लेके आओ, ला सकते हो, है? एक भौतिक तत्व है, समझिए इस बात को, है ना, बहुत सरल बात है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। एक भौतिक तत्व है, उसको भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आधार चाहिए, माध्यम चाहिए, है? और भगवान को आप अपने पास, भगवान से आप जुड़ना चाहते हैं, भगवान को आप लाना चाहते हैं अपने पास या अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, उसके लिए माध्यम नहीं चाहिए, है? गुरु वो माध्यम है जो भगवान को कैरी करते हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं, है? हमारे एक आचार्य हैं, उन्होंने भजन लिखा है, है? क्या है वो भजन, कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार तुम्हारा सकती आछे, बांग्ला भाषा में है कि कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आपके हैं तो ये आपकी पावर है कि आप किसी को भी दे सकते हैं, भाई जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो किसी को दे सकता है, भाई कोई चीज मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ, है? तो वो बोलते हैं कि हे गुरुदेव, कृष्ण तो आपकी संपत्ति है, कृष्णा कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पार, और चूंकि आपकी प्रॉपर्टी तो आप दे सकते हैं, तुम्हारा शक्ति आचे, ये आपकी पावर है, गुरु की यही पावर है, असली गुरु की, नकली पे बाद में जाएंगे हम, है ना। जो वास्तविक गुरु है, जो असली गुरु है, वो व्यक्ति भगवान को कैरी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी है कृष्णा, तो वो किसी को भी दे सकते हैं, वो माध्यम है,
इसलिए बोलते हैं आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पासे पासे, बोले मैं तो कंगाल हूँ मेरे पास कृष्ण नहीं है इसलिए मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, बोले मुझे कृष्ण दे दो, है ना। गुरु के पीछे पीछे चलना होता है, गुरु के पीछे उसको बोलते हैं अनुशीलन और अनुशासन। अनुशासन और अनुशीलन, अनुशीलन मतलब जो गुरु बताएं वो मर्यादा को पालन करें। अनु शब्द का मतलब होता है उनके निर्देशन में, उनके अधीन रह के, है ना, स्वतंत्र रूप से नहीं। और अनुशासन कि गुरु जो शासन जो जो निर्देश दें उस शासन को स्वीकार करें, है ना। तो ये और अनुशासन शब्द से ही शिष्य शब्द आता है। एक्चुअल में शिष्य वो है जो गुरु का अनुशासन को स्वीकार करता है। जो गुरु के अनुशासन को स्वीकार नहीं करता वो शिष्य नहीं है, है ना। तो आज हमारे गुरुदेव पधारे, पर बड़ा सौभाग्य हुआ हमारा जोधपुर नगरी का महाराज यहाँ हैं, और उन्होंने आज सुबह जो है बहुत सारे भक्तों को जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश दिलाया, है ना। तो दीक्षा जो है वो कुछ की सावित्री जन्म था और कुछ कैयागिक जन्म था, उसको हमारे फर्स्ट इनिशिएशन और सेकंड इनिशिएशन बोलते हैं, है ना। प्रथम दीक्षा और द्वितीय दीक्षा, प्रथम दीक्षा थी कुछ की जोधपुर से, 100 से ज़्यादा लोग जो है पहली दीक्षा लिए हरिनाम दीक्षा, और कुछ लोग थे जो ब्राह्मण दीक्षा लिए, और बाहर से भी लोग आए थे, टोटल 200 से ऊपर लोग थे। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर आप प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको प्रमाणिक गुरु को के निर्देशन को स्वीकार करना होगा। आप स्वतंत्र रूप से कार्य करें और आप सोचें कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन प्रगति क्यों करना है, प्रभु जी बढ़िया है ना, बढ़िया से रह रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं उनको, है सही बात है ना। बोले बढ़िया तो चल रहा है हमारा, घरबाड़ी है और नौकरी वोकरी कर लेते हैं, पैसा आ जाता है आराम से, सब बढ़िया है। और तकलीफ होती है तो सबको होती है, मुझे मैं अलग से थोड़ी हूँ, संसार में तो सभी चलते हैं तो हम भी चला लेंगे काम, ये समस्या क्या है फिर, क्या परेशानी है, क्यों दीक्षा लेना है, क्यों किसी का अनुशासन स्वीकार करना है, क्यों बंदिश है, इतनी बंदिश है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में बहुत नियम कायदे कानून है, हमेशा बोलते हैं गुरु महाराज, बोलते हैं कि देखो हमारे गुरु को देखो कोई नियम ही नहीं बताए, तो जो ऐसे गुरु हैं जो नियम नहीं बताए आपको ठग रहा है, क्योंकि उसको चाहिए अनुयायी, है ना। तो आप कहेंगे कि नहीं हमारे गुरु जी पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते इसका ये नहीं कि कई कई पॉलिसी होती है, थोक में शिष्य बना लेते हैं फिर दूसरी तरह से बिजनेस करते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे ये अलग अलग लोगों की पॉलिसी होती है ठगने की, ठगने के तरीके होते हैं ना। और लोग आके चरण में पड़ते हैं, ये जो ऐसे ठग है वो कम से कम यश मिलता है उसी के लिए करते हैं, ऐसा नहीं सब धन के लिए करते हैं। लोग पूजते हैं ये भी बड़ी बात है, लोग पूजा पाते हैं ना, तो इसलिए वो ठगी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो पैसे के पीछे होते हैं। और ऐसे लोग कभी गुरु और प्रमाणिक गुरु नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए हमको बड़ा गुरु चयन करने में बहुत सतर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को भी गुरु बना लें, है ना। उसकी जैसे आप जब कोई ये तो आप सोचिए, आप मार्केट जाते हैं और कुछ वस्तु खरीदते हैं तो आप बहुत देखभाल करते हैं ना कि भाई ये टिकाऊ है कि नहीं है, असली है कि नकली है, माल नकली माल नहीं आ जाए कहीं, देखते कि नहीं देखते है? तो आध्यात्मिक जीवन में भी तो ये तो ज़्यादा जरूरी हो जाता है। संसार में जो वस्तु हम लाते हैं वो मान लो नकली आ भी जाए तो हमारा कितना नुकसान होगा, कोई ज़्यादा नुकसान है? नहीं होगा, वो वस्तु तो दोबारा खरीदी जा सकती है ना, कुछ करके उसकी भरपाई की जा सकती है। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, उसका भरपाई हम कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु नकली मिल गए
हैं, तो आपका तो मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा ना। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश की जगह ठगी हो जाएगी, तो ये कितनी बड़ी ठगी है, इसकी भरपाई कर सकते हैं क्या है? इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो इसीलिए गुरु जब भी बना स्वीकार करें तो हमको पता होना चाहिए कि कौन गुरु असली है और कौन गुरु नकली है ना। और कलयुग तो नकली का जमाना है ना। कलयुग तो ठगी का, ठगों का टाइम है ना। इसमें तो हर चीज़ नकली मिलती है, हर चीज़ में मिलावट मिलती है। तो इसलिए हम बहुत सावधान रहते हैं बाहर, है ना। आँख मूंद के विश्वास नहीं करते हैं ना हम, क्योंकि आजकल किस सब में मिलावट मिलती है। नकली असली माल मिलना बहुत मुश्किल है क्या नहीं। तो इसलिए इस मामले आध्यात्मिक जीवन में तो फुल मिलावट है। अच्छा, ठगी कहाँ ज़्यादा होती है, कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा ठगी होती है? आजकल इंटरनेट पर बहुत ठगी हो रही है ना, इंटरनेट बैंकिंग में ठगी बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य आदमी को इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आसान होता है ठगना। तो ठगी वहां होती है जहां लोगों को जानकारी का अभाव होता है। सही है ना बात, मैं क्या कह रहा हूं, सही बात है कि नहीं है? आप देख लीजिएगा जिस भी सेक्टर में ठगी ज्यादा होती है वहां कौन सी जगह, जिस सेक्टर के बारे में लोगों को जानकारी की कमी होती है, सही सही जानकारी नहीं होती, तो वहां ठगी बहुत आसान है। तो ठग उसी क्षेत्र में जाते हैं कि हाँ यहाँ बहुत आसान है ठगना, तो ले लेंगे लपेटे में किसी को भी, है ना। तो सबसे ज्यादा ठगी ठग उसमें जाएंगे। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप सच सच बताइए, आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों को कितना ज्ञान है, आपको क्या लगता है इस मामले में ज्ञानी है लोग या अज्ञानी है? सभी बताइए। तो ठगी इस मामले में, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिए। ये प्रमाण है ना, क्योंकि जिस क्षेत्र में ज्ञान नहीं होगा उस क्षेत्र में ठग जाएंगे। हैं, अरे सिंपल सी बात है भाई, चोर जो जेब कतरे होते हैं ना, वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं, वहां जेब काटते हैं। अकेले आदमी की जेब कैसे काटेगा? हैं, तो ऐसे ही ठगों को ठगी कहाँ होगी? जहां अज्ञान होगा वहां तो ठगी वो कर पाएंगे, जहां सब लोग जानकार है वहां ठगी चलेगी, उसको पीटेंगे पकड़ के लोग। हैं, ठगेगा कैसे हो, जब ज्ञान होगा तो ठगेगा कैसे है? तो अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अज्ञान है, घोर अज्ञान है। कारण क्या है कि हमारे भारत में तो सभी ज्ञानी मानते हैं अपने आप को। अब ज्ञानी को ज्ञान कौन दे भाई, वो तो खुद ही ज्ञानी है, उसको कौन सिखाएगा ज्ञान है? आप ठेले वाला होगा, कोई भी होगा, बल्कि मतलब किसी भी क्षेत्र का आदमी देख लो, अध्यात्म के बारे में उसका खुद की जानकारी है। वो सही है गलत है ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन है जानकारी, वो अपने खुद मानता है। नहीं साहब मेरा तो ये मानना है ना, तेरे मानने का मतलब क्या है? नहीं नहीं ऐसा ही है, मेरी मान्यता ये है। और यही अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान मिटाना भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता, वो तो सोचता है कि मैं जानता हूं। तो क्या सोचता है कि मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे तो पता है, है? तो क्या पता है कि हमारे ओम बन्ना भगवान है, ये पता है उसको। किसी को कुछ, कोई साईं बाबा भगवान है, ये अपने ही धारणा है, है? अब ये क्या है क्या नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं उसको, लेकिन उसके हमारे गुरुजी भगवान है। कोई क्या है ना, और सब अपनी धारणाएं लेके बैठे हैं, है ना। तो धारणा वो बदलना नहीं चाहता, तो फिर वैसे ज्ञान किसको मिलता है? जो ज्ञान चाहेगा ना तब जाके मिलेगा ना, है? जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ना नहीं चाहे तो उसको पढ़ा सकता है टीचर? इस संबंध में हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी गुरु महाराज जो थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कथा सुनाते थे लालू और कालू की, हैं, दो भाई थे लालू और कालू, एक बिजनेसमैन के लड़के थे, और वो स्कूल जाते थे लेकिन पढ़ते नहीं थे, बिल्कुल पढ़ते नहीं थे। तो जो है पिताजी परेशान किए, बेटे नालायक हो जाएंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं, तो इनको पढ़ाएं, तो ट्यूशन लगाया। और दोनों इतने शैतान की दोनों प्लानिंग करके वो ट्यूशन टीचर को परेशान करते, सीखेंगे कुछ भी नहीं,
लेकिन उसको परेशान करके भगा देते, वो भी हाथ जोड़ के माफी मांग के चला जाता कि मुझे माफ करो, ये नहीं सीखने वाले, है ना। तो दोनों बड़े शैतान, और कैसे कैसे करते कि वो सो रहे हैं और छुपके सिगरेट पियेंगे, बदमाशी करते थे, सिगरेट पियेंगे तो अगर टीचर ने पकड़ लिया तो बोलेंगे, फिर आंख बंद कर लिए दोनों, और फिर मुंह में सिगरेट है पकड़ लिया तो बोलेंगे कि पता नहीं सर ये सिगरेट कैसे आ गई मुंह में, पता नहीं, हमने तो सोए थे, हमको तो पता ही नहीं, मतलब पूरे ढीठ, और इस तरह से करते। तो एक टीचर जो है उसने फिर इश्तिहार निकाला, व्यापारी था, इश्तिहार निकाला कि भाई कोई भी मेरे बच्चों को अगर गणित सिखा देगा, हिसाब किताब तो सिखा दे कम से कम ताकि व्यापार संभाल सके, तो बोले कोई सिखा देगा तो मैं उसको इतना जो है सैलरी दूंगा, तो हैवी सैलरी रखी। तो कई लोग आते लेकिन हार के जाते हैं। तो एक और आया है ना, उसने बोला कि मैं सिखा दूंगा, है ना, मैं सिखा दूंगा। तो वो गणित सिखाने के लिए आया, गणित का ट्यूशन टीचर लगा, अब उनको सिखाता तो उल्टा चलते, ये बोलता एक तो बोलते दो, बोलता दो तो ये बोलते एक, मतलब कुछ सीखना ही नहीं है कि दो दो बोले एक होता है और एक एक बोले वो भी एक होता है, कुछ भी बोलते, मतलब सीखेंगे ही नहीं। वो सोचा कि ऐसे नहीं सीखेंगे, गिनती बोलने को बोलते तो उठपटांग बोलते, सीखना ही नहीं है, गिनती भी नहीं सीखना, पहाड़ा तो बहुत दूर की बात है गिनती नहीं सीख रहे, एक दो तीन चार भी नहीं सीखना चाहते, क्या होता है। तो वो उसने दिमाग लगाया, वो लेके गया एक दिन, इन दोनों को लेके गया, चलो घूमने चलते हैं, बोले ये अच्छा है घूमने ले जाने टीचर, तो दोनों राजी हो गए घूमने के लिए। अब गांव में ले गया घूमने, अब गांव में ले गया तो एक गाय जा रही थी, तो एक को लालू को बोला कि बेटा ये क्या जानवर है ये, कि गुरु जी गाय है। अच्छा गाय है, कि इसके इसके वो सर पे क्या है, ये कि सींग है, तो कितने हैं, कि गुरुजी एक दो है गुरुजी दो। अच्छा इतना बता दिया। फिर जो है उसी से पूछ रहा था, वो इस तरह सिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसके पैर कितने हैं बेटा, बताओ तो इसके पैर कितने हैं, गिनो तो। बोले एक दो। तो इतने में जो लालू था, एक आलू से पूछा, लालू बोला अरे ये सिखा रहा है समझ रहे, तो इतना चालाक कि सीखना नहीं है और आजकल सच्चाई यही है, अध्यात्म के मामले में लोग जानना चाहते ही नहीं, तो सिखाएं कैसे, कैसे सिखाओगे आप बताओ, जो खुद ज्ञानी है और खुद सीखना नहीं चाहता उसको कैसे सिखा सकते हो। इसीलिए शिष्य बनने के लिए योग्यता है, एक ही योग्यता है, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शास्त्र में बताया, जो आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना चाहता है, जो जिज्ञासु है, वही आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रवेश करने का अधिकारी है। जो जानना चाहता वास्तव में सीरियस है, देखा देखी नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे कि विदेश में फैशन चला, आजकल तो भारत में भी आ गया, और विदेश में प्रभुपाद जी के टाइम पे था वही भारत अब है, जो अमेरिका था 1965 में, आज भारत उस दशा में पहुंच चुका है, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि फैशन चला है वहाँ कि कुत्ते पालने का, है ना, लोग कुत्ते पालते थे, इंडिया में कोई कुत्ते नहीं पालता था उस टाइम पे, तो प्रभुपाद जी ने इसलिए विदेश का उदाहरण दिया। आज तो भारत में वही फैशन है ना, कि कुत्ता ले आया तो बोले मैं भी कुत्ता लाऊंगा, उसने कुत्ता पाल लिया तो मैं कम हूँ क्या, मैं भी तो कुत्ता पालूंगा, है, और जो विदेशी नस्ल का है क्या, नहीं इंडियन नस्ल का तो बोले गली में घूमते, इनका वैल्यू नहीं है क्या, नहीं। तो कुत्ता पालने का फैशन चला है, तो ऐसे ही गुरु बनाने का फैशन मान करके लोग करते हैं, देखा देखे, अरे उसने गुरु बनाया मैं भी गुरु बनाऊंगा, बिल्कुल भाव क्या है, वही भाव है कि उसने कुत्ता पाला मैं भी कुत्ता पालूंगा, है। प्रभुपाद जी ऐसे उदाहरण देते, ये तरीका नहीं गुरु बनाने का, है, गुरु बनाने के लिए आप तैयार हो क्या, शिष्य बनने को तैयार हो तो गुरु बनाओ, है, आप शिष्य बनना नहीं चाहते, गुरु बनाना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं,
दिखावा करने के लिए फिर ठग ठग बैठे। फिर जब आते हैं सही जगह पे तो बोले नहीं 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 यहाँ नहीं, अब इतना सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर मंगल आरती करो, फिर 4 नियम पालन करो, फिर भसोले माला करो, फिर गीता पढ़ो, सत्संग में आओ, ये सब नहीं, यहाँ नहीं बैठेगा, हमारा यहाँ नहीं चलेगा। तो फिर बोलते हैं कि दूसरी जगह जाते हैं कि गुरु जी हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो बोले कि हाँ ठीक है ले लो बेटा, कि क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बोले साल में एक बार दक्षिणा चढ़ा देना और गुरु पूजा कर लेना एक बार, और क्या है। और मंत्र बोले लिस्ट लगा के रखते हैं, बोले ये लिस्ट में से कोई भी ले लो जो आपको पसंद हो, आप किसके भगत, देवी के, बोले ये वाला ले लो। ऐसे करते हैं गुरु जी, हाँ ऐसे ही करते हैं। ये ठग जो है ठगी उसको कह, उसको तो ग्राहक पकड़ने ना, और बोले कि तुम बस अब के गुरु जी वो पाप पुण्य, बोले पाप पुण्य कुछ नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है ना, अब तुम जो है साल में एक बार भेंट चढ़ा दो और तुम्हारा पाप मैं ले लूंगा। वाह वाह ये गुरु जी बहुत अच्छे हैं, है? कुछ नहीं करना जी, थोड़ा सा पैसा चढ़ाना है और क्या है? है तो फिर क्या होगा, लेकिन इससे क्या हुआ, ठगी हुई ना, यही तो ठगी है ना। तो लेकिन ठगी के लिए जिम्मेदार कौन है, जो ठग है वो जिम्मेदार नहीं है, जो ठगा जाता है वो जिम्मेदार होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठगी होती है उसके लिए ठग जिम्मेदार नहीं होता, अगर लोग बुद्धिमान हो ठग तो भाग जाए, हैं लोग बोल, हमारे प्रभुपाद जी जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत महाराज वो कहते थे लोग ठगी चाहते हैं इसलिए ठग के पास जाते हैं, सही जगह जाना नहीं चाहते, हो दिखावा करना चाहते, आध्यात्मिकता पालन नहीं करना चाहते, नहीं समझना चाहते क्या क्या है, कैसे है, क्या है, नहीं उनको मतलब ही नहीं है, उनको तो दिखाना है कि मैं भी आध्यात्मिक हूं, मैं भी धार्मिक हूं, मेरे भी गुरु हैं जी, है समाज में प्रतिष्ठा का लिए ये भी है, ये भाव बहुत खराब भाव है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, है गुरुजी कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। कई तो गुरुजी साथ फोटो खिंचवाते हैं और दिखाते रहते, देखो आए आज उनकी प्रतिष्ठा का लाभ उठा रहे हो, है ये क्या तरीका है, क्यों फोटो को दिखाना चाहते हो आप लोगों को, है क्यों फोटो खींच के फोटो लगा के रखते हैं, अच्छा इतने बड़े महात्मा आपके गुरु हैं, है? और आप क्या करते हो उनके लिए, है गुरु जी के लिए आपने क्या त्याग तपस्या किया, है दिखावे के लिए फोटो लगा लिए, ये तरीका नहीं है। गुरु जी को बोला है गुप्त रखना होता है, गुरु जी को पब्लिक करने का चीज नहीं है, वो गुरु जी से संबंध अंतरंग होता है, आत्मीय संबंध होता है, वो पब्लिक में जो ढोल पीटना कि मेरे गुरु जी हैं मेरे गुरु जी हैं ये नहीं होता है ना, आत्मीय संबंध होता है, गुरु के प्रति समर्पण होता है ना, वो व्यक्तिगत होता है। तो ये जो चीज है ये समझिए है ना, ठगी नहीं होना चाहिए है ना। हमारे प्रभुपाद जी जब, हमारे बहुत कम लोग आते हैं संस्था में, और आते हैं उनमें से दीक्षा बहुत कम लोगों की होती है। अब कोई बोल सकता है कि अरे क्या गुरुजी आप 200 लोगों की दीक्षा हो गई उसके लिए आप इतना गा रहे हो, हैं हमारे गुरुजी तो एक थोक में लाख लाख लोगों की दीक्षा देते हैं, क्या हो गया आपको 200, क्या गिनती है 200 की, है तो इसे ऐसे जो है वो दीक्षा है ही नहीं है ना। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका विदेश में थे, लंदन में थे, अमेरिका मुझे ध्यान नहीं, और प्रचार कर रहे थे, और एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम था, उसके लिए बहुत बड़ा हॉल बुक किए थे, 5,000 का कैपेसिटी था, सीटिंग कैपेसिटी, बहुत बड़ा किराया उसका था है ना, और सिटी का सबसे महंगा वो ऑडिटोरियम बुक किए थे, और खूब पब्लिसिटी पे खर्चा किया, और प्रभुपाद जी के उस कथा में पहुँचे 200 आदमी, 200 में 100 तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो उनके साथ ही चलते थे, और 101 लोग और नए आ गए है ना, और कथा कर रहे थे प्रभुपाद जी बड़े उत्साह से कि भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति करना चाहिए, इस तरह से बता रहे थे। तो एक व्यक्ति उसमें से बोला कि क्या आप बोले इतना गा रहे हो, हैं
वो बाहर मैदान में आपने इतना खर्चा किया, बोले मैदान में कोई खर्चा नहीं किया, मैदान में टेंट लगाया है ना, और हजारों की भीड़ पड़ी है वहां। वो महाराज है, आप क्या है ना इतना कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, प्रभुपाद जी बोले कि आप हीरे की दुकान पे गए हो कभी, सुनी रहती है, बोले सुनी रहती है, कोई नहीं आता, दिन भर में भी ग्राहक मुश्किल से घुसेगा कभी अंदर, है ना, और सौदा तो बहुत रेयरली होता है, बोले ऐसा नहीं कि रोज हीरे बिक रहे खूब सारे, नहीं, सौदा होता है कोई दो चार दिन में, पांच दिन दस दिन में कोई एक हीरा बिक जाए, है ना, दो हीरा बिक जाए, है ना, हीरे की दुकान पे। और बोले सब्जी मंडी जाओ, खूब भीड़ मिलेगी, खूब कारोबार हो रहा है, लेकिन आप बताओ कारोबार कौन सा बड़ा है, हीरे वाले का कि सब्जी मंडी पे ठेला लगाता उसका है। तो बोले हम हीरे के व्यापारी है, प्रभु जैसा बोले हम हीरे के व्यापारी हैं, है ना, यहाँ सब्जी मंडी की तरह, सब्जी मंडी मतलब रोजमर्रा की चीजें, है ना, किसी का ये दूर हो जाए, किसी का वो दूर हो जाए, लेकिन हम तो परमानेंटली जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना चाहते हैं लोगों को, पूरा जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए, है ना, तो सारी झंझट ही खत्म हो जाए ना, छोटी छोटी चीजों के लिए आते हैं, फिर दोबारा फिर तिबारा, उससे क्या होगा। जय श्री राधा गोविंद भगवान की। तो आप समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं कि टेम्पररी सॉल्यूशन चाहते हैं, है? तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये जगह है, टेम्पररी रिलीफ है तो बहुत जगह है, वो तो डॉक्टर भी कर लेता है जिसकी समस्या, वैसे कोई ना कोई कर ही देगा, है ना, कई महाराज भी ये करते हैं साधु बन के, कुछ देते हैं कि ये मंत्र कर लो, ये कर लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, तो वहाँ भीड़ बहुत पड़ती है, है ना, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से छूटना है वो, और इसका बराबरी नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश पाना मतलब आप जन्म मरण के चक्कर में छूटने के लिए तैयार हो और उसके लिए सीरियस हो, तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश मिलता है। तो वो एक आदमी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी तो क्या है, बार बार इधर ही मरना है, इधर ही जन्म लेना है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, बार बार गर्भ में यातना झेलनी है। ये संसारे तर दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, इस संसार में बहुत कष्ट है प्रभु, हे मुरारी आप ही उद्धार करो। तो भगवान की शरण लेना यानी कि जन्म मरण के चक्कर से निकल जाना। ये गीता में ही भगवान बोले हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाएगा उसको वो भवसागर को पार कर जाएगा। दो तीन बार बोले हैं भगवान, एक बार नहीं। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्या बोलते हैं कि ये जो माया है ये मेरी है, भगवान बोलते हैं मेरी है माया, इसलिए पार करना संभव नहीं है, जब तक मेरी शरण नहीं लोगे इसको पार नहीं कर सकते, भगवान साहब बोले। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो माया से निकल जाते हैं, है ना। तो बहुत जगह बोले हैं भगवान, है ना, भगवद्गीता में। तो अगर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, हमेशा के लिए सुखी हो जाए। अच्छा, हम लोग छोटे छोटे दुख आते हैं उनको मिटाने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, ऐसा उपाय करो ना जी कि हमेशा के लिए सुखी हो जाए। चाहते कि नहीं चाहते, वो तो तभी होगा जब शरीर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, है? जब भगवान की शरणागत होके भगवान को पालेंगे तभी जाके ये छूटेगा, नहीं तो चलता ही रहेगा। और सब टेम्पररी जुगाड़ में लगे हैं, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। कोई कहे कि प्रभु जी ठीक है अब चल रहा है, ठीक है चल रहा लेते हैं काम, क्या दिक्कत है, अब होता है, लेकिन ठीक है सुख भी तो मिलता है ना, हैं, तो हम एडजस्ट कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे, बोले सब ठीक है चलता है, हम सेटल्ड है, बोले अच्छे से। तो नहीं जी, भगवान बोलते हैं, बोले ये सेटल होने की जगह ही नहीं है, यहाँ सेटल बड़े बड़े सेटल लोग अनसेटल हो गए, आज तक तो कोई सेटल नहीं हो पाया, आप कैसे सेटल हो जाओगे,
भगवान बोले दुखालय शाश्वतम, ये जगह क्या है, दुख का घर है। बोले दुख का घर है लेकिन सुख भी मिलता है, हम एडजस्ट कर लेंगे। भगवान बोलते बोले अशाश्वतम, यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, आपको मार पड़ेगी, मार खाते खाते फिर थोड़ा बहुत सेटल होने की कोशिश करो फिर मरना पड़ेगा। कृपा जी कहते हैं कि मान लो आपने एक घर बनाए, बड़ा सरल सी बात है देखिए समझना, आपने घर बनाए जोधपुर में कहीं और म्यूनसिपलिटी वालों ने तोड़ दिया, दोबारा बनाए दोबारा तोड़ दिया, तिबारा बनाए तिबारा तोड़ दिया, क्या आप ऐसे ही घर बनाते रहेंगे जो तोड़ दिए जाए म्यूनसिपलिटी के द्वारा, कि जानना चाहेंगे क्यों टूट रहा है, जानना चाहेंगे नहीं जानना चाहेंगे, और आप कैसा चाहेंगे जो परमानेंट रहे, ऐसे ही चाहेंगे ना, परमानेंट घर चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो गलत जगह पे अगर मान लो आप रोड पे घर बनाएंगे तो म्यूनसिपलिटी वाले तोड़ेंगे, अगर आपने सही जगह पे घर बनाओ तो फिर रहेगा वो, लेकिन आपने मान लो गलत जगह पे जहाँ अनधिकृत आप बना लेंगे तो बिल्डोजर चलेगा, है क्या नहीं। तो अनाधिकार जो है, ये जो संसार में हम जो बना रहे हैं यही तो हो रहा है, अभी जो मैं कर्म कर रहा हूं ये आगे का घर के लिए जुगाड़ है, आज जो कर्म कर रहा हूं इससे मुझे अगला शरीर का निर्माण होगा, क्या आज के कर्म से मुझे अगला शरीर मिलेगा, और उस शरीर में कर्म करूंगा उससे अगला शरीर मिलेगा, और ये सब तोड़ दिए जाएंगे हैं। तो हम लोग गलत जगह पे घर बना रहे हैं हम लोग, है क्या नहीं। ऐसे कर्म करो कि आध्यात्मिक कर्म करो तो आध्यात्मिक जगत में शरीर मिलेगा, ये घर है ना इसमें मैं रहता हूँ, आत्मा का घर ये शरीर है, तो ये शरीर जो है नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा तो शाश्वत, उसको शाश्वत घर चाहिए, शाश्वत शरीर चाहिए, वो तो भगवान के धाम में है ना। तो उस आध्यात्मिक कर्म करेंगे तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तो वो शाश्वत होगा, फिर एडिक नहीं, फिर मस्त रह सकते हैं, है ना, हमेशा आनंद में, तो वो जो है वो वास्तविक स्थान है। कृपा जी कहते हैं लोग इतने, कुछ लोग तो यही नहीं समझते, वो इस बात को समझते नहीं है, वो सोचते नहीं इधर ही ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो समझ जाते हैं वो इतने डर जाते हैं कि शरीर नाम से डरते हैं, तो बोले निराकार में जाना चाहते हैं जबरदस्ती, जो समझ जाते हैं बोले शरीर में दुख है ऐसा सोच लेते हैं, तो उनको, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि सारे शरीर में दुख नहीं होता है ना, आध्यात्मिक शरीर जो है वो आनंद का होता है, जैसे भगवान का शरीर है वो आनंद में है, आनंद घन है ना, और ऐसा ही स्वरूप शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उनको प्राप्त होता है, विष्णु दूतों को भगवान के जैसा शरीर मिलता है, आपने सुना होगा चार हाथ वाले भगवान की तरह ही बिल्कुल दिखते हैं, अंतर करना संभव नहीं होता है, केवल अंतर होता है कि भगवान कौस्तुभ मणि पहनते हैं, इनके गले में कौस्तुभ मणि नहीं होती है, भगवान की छाती पे भृगु लात का चिन्ह है, वो चिन्ह से और अंतर होता है, और लक्ष्मी जी भगवान की छाती पे एक स्वर्ण रेखा के रूप में विराजमान रहती हैं, उससे बाकी हूबहू दिखते हैं है? तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि अपना साम्राज्य और अपना ही स्तर का अपना ही जैसा वो देने को तैयार है, हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इस बात पे भरोसा ही नहीं होता। अब भगवान गीता में बोल रहे हैं, खुद भगवान बोल रहे हैं, तब तो भरोसा कर लो भाई। भगवान बोलते हैं कि मेरा धाम शाश्वत है और जो इसको प्राप्त कर लेता है उसको वापस संसार में नहीं लौटना होता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि मेरा धाम है जहां पे जाने के बाद वापस नहीं आना होता है ना। तो अब आप सोचिए है ना, आपके घर में समस्या हो सकती है, आप भजन करेंगे हो सकता है आपकी पत्नी आपके परिवार के सदस्य आपको सहयोग नहीं करें है ना, लेकिन इधर कीमत इधर जो है अगर आपने छोड़ दिया तो आपको बहुत भारी लॉस होगा है ना, समझ में। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवत में कि नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, लोग स्वार्थी है लेकिन यही नहीं जानते कि उसका स्वार्थ किसमें है। स्वार्थी बनो तो असली बनो भाई, झूठे स्वार्थी क्यों बन रहे हो, क्योंकि आप जो कर रहे हो उससे स्वार्थ पूरा ही नहीं होगा। ये स्वार्थी असली स्वार्थी बनो कि भगवान की शरणागत होना, ये इससे वास्तविक
स्वार्थ पूरा होता है, है ना। तो आपसे अनुरोध है कि ये संस्था के माध्यम से शुद्ध शिक्षा, शुद्ध ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, शास्त्र सम्मत। हमारी संस्था में हम शास्त्र के अनुसार ज्ञान बोलते हैं और उसी का अभ्यास करते हैं, शास्त्र से बाहर हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसको स्वीकार करके लाभ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है आप लोगों का तो ले सकते हैं। यस, सही गुरु की पहचान कैसे करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो शास्त्र में दिया है, जिसे आप जानते हैं ना कि कोई स्टूडेंट नहीं बना तो टीचर नहीं बन सकता, है ना। और स्टूडेंट ही बना तो वो जो है फर्जी डिग्री से नहीं चलेगा, उसको असली उसमें दाखिला लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही गुरु बनने के लिए पहली योग्यता तो ये है कि वो प्रमाणिक गुरु परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु परंपरा में होना चाहिए, है ना। आप लोग जो भी हैं वो प्रसाद पाके जाए, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। जस्ट प्रश्न उत्तर के बाद हम सबके लिए प्रसाद ही होगा, तो वो कोई भी बिना प्रसाद पाए नहीं जाए। तो जो जो प्रमाणिक गुरु है उसके लिए प्रमाणिक संप्रदाय होता है, शास्त्र में उल्लेख है, तो उसमें उसको होना चाहिए, उससे शिक्षा लिया हो तभी वो ऑथराइज्ड है। लेकिन ये भी पूर्ण योग्यता नहीं है। दूसरी योग्यता है कि जो जो परंपरा की शिक्षा है उसने अपने गुरु से ली, उसका वो खुद भी पालन करे, है ना। तो दो दो योग्यता है कि एक तो प्रमाणिक गुरु परंपरा से उसको होना चाहिए, दूसरा वो आप गुरु परंपरा के निर्देश से बाहर निर्देश नहीं दे सकता है, और वो खुद भी उसको पालन करना चाहिए। तो खुद पालन करने को तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर वो परंपरा से हटके निर्देश दे रहा है तो वो फिर योग्य नहीं है, है ना। तो यही प्रमाणिक जो है उसकी योग्यता है। हाँ, रामनारायण प्रभु जोर से बोलिए प्रभु जी, आपकी आवाज बुलंद है। हाँ हाँ, हाँ माला में 108 मन के होते हैं, और सुमेरु जो है वो राधा कृष्ण का प्रतीक माना जाता है, है ना। सुमेरु जो है वो राधा कृष्ण का स्वरूप मानते हैं, तो इसलिए सुमेरु को लांगते नहीं हैं, उस तक जाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, हम भगवान तक जाएं, है ना। तो और 108 ऐसे तो भगवान की बहुत सारी गोपियाँ हैं, लेकिन उनमें 108 प्रमुख हैं, तो इसलिए 108 जो है गोपियों के लिए उस तरह से होता है। और उनमें भी 8 अष्ट सखियाँ, आपने सुना होगा भगवान की 8 सखियाँ अष्ट सखी, है ना। तो 8 पे अलग से नोट डाली गई है क्योंकि वो विशेष हैं, समझ में आया। तो ये इसका एक वो है। यस, कोई नियम और कायदे कानून पालन करे, लेकिन अगर दीक्षा नहीं ले तो उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है, नहीं होगी। क्योंकि वो जैसे आप सरकार से कोई सुविधा चाहते हैं, मान लो, है ना, सरकार से कोई सुविधा चाहते हैं और उसके लिए सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म नहीं भरे, अप्लाई नहीं किए, समझ में आ रहा ना। बाकी सब किए, सब प्रमाण पत्र सब तैयारी रखे है, सब कुछ रही है, लेकिन अप्लाई नहीं किया तो फिर मिलेगा सुविधा। तो ऐसे ही है वो कि गुरु से जब तक ऑथराइज नहीं होंगे और भगवान की कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। भले ही हम लोग कर रहे हैं वो, लेकिन वो ऑथराइज होना जरूरी है, ठीक है ना। और कोई, यस, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि कोई गुरु बना लिया और पता चला कि वो ठगी हो गई है, हैं, तो क्या वापस गुरु बना सकते हैं। शास्त्र में तो लिखा है कि गुरु बदल नहीं सकते, हैं, तो वो प्रमाणिक गुरु के लिए लिखा है। जो गुरु बनाया वो तो गुरु था ही नहीं, है ना।
जो था ही नहीं तो उसको बदलने से प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब गुरु बनाया ही नहीं एक्चुअल में, समझ में आया ना। प्रमाणिक गुरु को नहीं बदलना चाहिए, अगर प्रमाणिक गुरु हैं तो उनको बदलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पता चला कि वो प्रमाणिक था ही नहीं तो गुरु बनाया ही नहीं ना, समझ में आया ना। इसलिए उसमें तो ये प्रश्न ही नहीं आता कि गुरु बदलने का, गुरु तो था ही नहीं तो बदलेंगे क्या, गुरु बनाया ही नहीं एक्चुअल में, वो तो गुरु के नाम पर ठग बैठा है तो उसको थोड़ी ना गुरु बोल देंगे, नहीं समझे, ठीक है। और कोई राम और कृष्ण दोनों एक ही चीज है, अच्छा किए जाते हैं, हाँ हमारे दिल्ली में है, बॉम्बे जुहू में है, वृंदावन में तो नहीं है लेकिन कई जगह हैं, है ना। हमारे जो परंपरा है वो राधा कृष्ण की भक्ति की परंपरा है, है ना। और राम और कृष्ण एक हैं लेकिन बलराम जी और कृष्ण भगवान एक हैं, है ना। लेकिन एक है क्या, अलग भी तो हैं। कृष्ण और बलराम एक ही हैं, हैं एक ही हैं, लेकिन दोनों को भाव अलग अलग है, दोनों अलग अलग भी है ना। तो भाव का अंतर होता है, भगवान कृष्ण का कृष्ण है, भगवान राम और भगवान विष्णु एक ही हैं लेकिन सबका भाव अलग अलग है, है ना। तो भाव का अंतर है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण मर्यादा को देखते ही नहीं है, वो प्रेम पुरुषोत्तम है, उनसे जो भी प्रेम करे कोई मर्यादा नहीं उसमें, भगवान से जो भी प्रेम करना चाहे मर्यादा देखते ही नहीं है, है ना। तो अंतर है, हाँ तो भाव अलग अलग है, तो व्यक्ति तो एक ही है लेकिन भाव अलग अलग है, हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आपका भाव अलग है, आप कमरे में जाएंगे वहाँ भाव अलग, घर पे अलग भाव होगा, रोड पे अलग भाव होगा, व्यक्ति एक ही है लेकिन भाव अलग अलग होता है। तो ऐसे ही भगवान के और जितने भी विस्तार हैं भगवान हैं उनका अंतर भाव का है मुख्य रूप से, है ना। और वो उसी भाव में प्रसन्न होते हैं। तो राधा कृष्ण के लिए बोलते हैं कि मूल भगवान राधा कृष्ण हैं, कि वो आनंद के भाव में है, वो भगवान के भाव में है, बाकी सब कोई उद्देश्य लेके रूप लिए हैं, है ना। राधा कृष्ण इसलिए राधा कृष्ण सबको स्वीकार करते हैं, कृष्ण भगवान ये नहीं रखते कि भाई एक ही पत्नी स्वीकार करूंगा या एक ही भक्त स्वीकार करूंगा, नहीं, कोई भी किसी भी रूप में भगवान से जुड़ना चाहे इज रेडी, है ना। लेकिन भगवान राम मर्यादा रखते हैं, है ना। इसलिए भगवान राम जो है वात्सल्य भाव में सेवा लेते हैं, उनकी माएँ हैं, माता पिता हैं, उस भाव में लेते हैं। और जो है सखा कोई नहीं है, हैं सखा लेकिन उनमें अंतरंगता नहीं, वो दास ही हैं, निषाद राज हैं जो भी हैं, उस दास भाव में ही करते हैं सेवा, हैं नहीं सखा, सखा भाव नहीं है, है ना। और माधुर्य भाव तो है ही नहीं, माधुर्य भाव में और कोई भी संबंधित नहीं हो सकता भगवान राम से, है ना। सुपन खाई भगवान नाक काट लिए, नाक कन काट लिए उसके, है क्या नहीं, वो तो गलत भाव से आई थी, लेकिन भगवान कृष्ण को कुब्जा गलत भाव से अप्रोच की थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको उद्धार किया ना। तो कितने उदाहरण हैं। अच्छा भगवान भौतिक स्तर पर नहीं है, है ना, लेकिन भगवान से अलग अलग रूप भाव में संबंध होता है। तो भगवान कृष्ण वात्सल्य भाव में भी सेवा लेते हैं, हैं सखा भाव में भी लेते हैं, कोई सखा बनना चाहे तो भी रेडी है, है ना। दास दास बनने तो ठीक है, दास तो भगवान राम भी लेते हैं, लेकिन सखा भाव में नहीं और माधुरी भाव में नहीं है। भगवान पांच संबंध होते हैं, पांचों में भगवान सेवा लेते हैं, इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, है ना। भगवान राम तीन भाव में सेवा लेते हैं, वात्सल्य भाव, दास्य भाव और शांत रस। शांत रस में होता है पेड़ पौधे आदि जो रहते हैं, वो भी जीव होते हैं सब, और जड़ वहाँ तो जड़ कुछ होता ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में, तो जो शांत रहता है वो शांत भाव में से कपड़े हैं, आभूषण हैं, ये सब भी जीवंत होते हैं, शांत रहते हैं, तो शांत भाव में सेवा करते हैं। तो ये सब भाव थोड़ा समझना पड़ेगा आपको,
भगवान से जीव का संबंध पांच वर्षों में पांच भाव में होता है, शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। अच्छा, और भगवान विष्णु वो तो माता पिता भी नहीं रखते, है ना, वात्सल्य भाव भी केवल दो, शांत भाव और दास्य भाव। भगवान विष्णु की आराधना सम्मान से होती है, है ना, उनका कोई अंतरंग था तो भूल जाओ, शांति नहीं है, है ना, कि कोई नजदीक जाके उनको करे, नहीं, आदर से पूजा करो, है क्या नहीं, दास भाव है। तो ये अंतर है भाव का, व्यक्ति एक ही है लेकिन भाव का अंतर है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि राम कम है, वही कृष्ण ही है। इस संसार को मर्यादा सिखाने के लिए भगवान राम के रूप में शिक्षा देते हैं, और जिनका मन राम से लगे तो ठीक है, वो भी ठीक है, उन्हीं से उद्धार होगा। चैतन्य महाप्रभु की धारा में चैतन्य महाप्रभु के खुद के शिष्य थे मुरारी गुप्त, वो राम भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और राम भक्ति करते थे, शुरू से हमारी परंपरा में राम भक्ति। आप बोल रहे हैं कि राम भक्ति नहीं है, है, जिसका जिससे जो है वो लगे वैसा करे, लेकिन ये समझना चाहिए कि हाँ अंतर क्या है, भाव का अंतर है, भगवान वही है, भाव का अंतर है, ठीक है, सब क्लियर है। और किसी कोई प्रश्न है, एक प्रश्न और ले सकते हैं अगर किसी का हो तो, माता की तरफ से, हाँ एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए, भगवान में चित्त लगता नहीं है, इसके लिए ये भजन दिया है, ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और भगवान में मन भी लगेगा, ठीक है। हरे कृष्ण शिला रूपा देखी गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो, तो अभी आप सबके लिए प्रसाद ही होगा, प्रसाद लेके जाइएगा। हरे कृष्ण आप क्या बोलना चाह रहे हो।